वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। विंटर सीजन आते ही आंवला आते हैं बहुत ही, तो किसी ना किसी फॉर्म में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आज आंवले में से दो तरह की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। एक हम तीखी वाली चटनी बनाएंगे और एक मीठी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीले में एक गिलास जितना पानी उबलने के लिए रख दिया है और ये मैंने 100 ग्राम जितने आंवले लिए हैं, बड़े बड़े साइज के हैं, तीन आंवले लिए हैं, 100 ग्राम वजन से है। मैंने जिसे अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब मैं इसे उबलते हुए पानी में डाल दूंगी और इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक कर लेंगे, यानी उबाल लेंगे अच्छे से। आंवले की तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें यहाँ पे भी मैंने 100 ग्राम आंवले लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। बीच में जो गुठलियों का पार्ट आता है उसे निकाल देंगे। चार हरी मिर्च ली है, छोटी वाली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, एक टेबलस्पून जितना नींबू का रस। वैसे तो आंवले थोड़े से खट्टे ही होते हैं, लेकिन जो आंवले का बिटरनेस होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे। आधा कप मैंने धनिया लिया है और यहाँ पर मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार, एक चुटकी हींग, एक टीस्पून जितना जीरा पाउडर और एक टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। बहुत ही टेम्पटिंग ऐसी हमारी चटनी बनती है। मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसमें सारी चीजें डाल देंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, एक टेबल स्पून जितना। अब इस चटनी को हम पीस लेंगे। जरूरत लगे तो एक टेबलस्पून जितना पानी डाल के पीसेंगे। हमें गाढ़ी सी चटनी बनानी है, टेस्टी और हेल्दी ऐसी चटनी हमारी देखिए बनके तैयार है इस तरह से। मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाई, थोड़ी सी दरदरी रखी है। आप इसे खाखरा के ऊपर, रोटी के साथ, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। चिप्स के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है और रोटी सब्जी दाल चावल के साथ तो बेहतरीन लगती ही है। आप जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने सर्विंग बोल में भी निकाल ली है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसी चटनी। आप तीखा आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज्यादा। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। देखिए अच्छे से कुक हो चुके हैं और ये देखिए थोड़े थोड़े से फटने लगे हैं, यही इसकी निशानी होती है। ये देखिए यहाँ से साइड में इसकी कलियां अपने आप ही अलग हो जाएंगी। अब हम इसे पूरी तरह से डिश में निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए आंवलों को मैंने निकाल लिया और इस तरह से फट जाते हैं, जिसे हम आसानी से खोलकर निकाल सकते हैं। ये देखिए ये कलियां ऐसे ही निकल आती हैं हाथों से। मैं सारी ही कलियां इस तरह से अलग कर लूंगी। मैं सारी कलियों को इस तरह से अलग कर लूंगी और ये जो रेशे और ये बीज है उसे हम अलग से निकाल लेंगे। अब चटनी बनाने के लिए ये थोड़े से बड़ी बड़े पीसेस हो जाते हैं, तो मैं थोड़े से छोटे पीस कर लूंगी ताकि हमें बनाने में खाने में भी आसानी हो जाए। आप हाथों से भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आंवले की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, एक टेबलस्पून जितना। ये सरसों के तेल में बहुत ही बेहतरीन लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं या नहीं है घर पर तो आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, स्लो आंच पर ही गर्म करेंगे, ज्यादा तेज आंच पर नहीं करना, लेकिन अच्छे से गर्म करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून जितने काली मिर्च है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 हल्का सा इसे सेक लेंगे। स्लो आंच पर ही सारा प्रोसीजर करना है, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा सा भून जाए तो मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी हींग,
एक टीस्पून लाल मिर्च, और इसे भी चला लेंगे। और अब हम इसे आंवला डाल देंगे। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, 1/4 टीस्पून जितना है काला नमक, और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और इसके साथ ही जितना हमने 100 ग्राम आंवला लिया था, तो 100 ग्राम गुड़, जिसे बारीक चॉप कर लिया है मैंने। आंवले की मीठी चटनी बनने वाली है हमारी। बस अब स्लो आंच पर हमें इसे गुड़ को पिघला लेना है, कोई पाक तैयार नहीं करना है। बस करीबन स्लो आंच पर 5 मिनट तक इसे चटनी को पकने देंगे। स्लो आंच पर ही करेंगे और लगातार चलाएंगे। देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि बिना चटनी और बिना सैलेड के हमारा भोजन अधूरा होता है। अलग अलग की तरह की चटनी हम अक्सर बनाते रहते हैं, तो इस समय आप ऐसी खट्टी मीठी चटनी और तीखी वाली चटनी भी जरूर से ट्राई कीजिए। खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और हेल्दी तो है ही, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है और आंवला है, यानी कि विटामिन सी और आयरन से भरपूर। अगर सब्जी नहीं होगी तो भी हम इसके साथ रोटी या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है और बड़े बड़े बबल्स भी आ रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा ऑयल का लेयर भी आ गया है, यानी कि हमारी चटनी पक चुकी है। इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ज्यादा कड़क हो जाएगी, क्योंकि गुड़ का पाक बन जाएगा। इससे ज्यादा हमें कुक नहीं करना है। बस इसे हम ठंडा कर लेंगे और सर्विंग में ले लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी मीठी आंवले की चटनी। देखिए कितनी मजेदार लग रही है, टेस्टी, और मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। तो लीजिए तैयार है हमारी आंवले से बनाई हुई तीखी और मीठी चटनी। इसे एक आंवले की लौंजी भी कहा जाता है, मीठी चटनी को। तो हमारे भोजन को और एनहांस करने के लिए, अगर एक बार बनाएंगे तो इस सीजन में आप बार बार बनाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर से दीजिए। थैंक यू।